नाबालिग से रेप के मामले में दोषी आसाराम को जोधपुर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में बाकी दो दोषियों को 20-20 साल की सजा दी गई है। इससे पहले उन्हें पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। आसाराम पर फैसले को लेकर प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की थी। कारों और बसों में लोगों की तलाशी ली जा रही थी और उनके परिचय पत्र चेक किए जा रहे थे। ट्रेन यात्रियों पर भी आरपीएफ की कड़ी नजर रखी गई थी। पूरे जोधपुर में धारा 144 लगाई गई।